इनेलो अब दावा करती है कि सारे लोग उनकी तरफ आ गए हैं, जेजेपी का सारा उनकी तरफ आ गया, फिर इसके बावजूद भी कैंडिडेट नहीं नए। जब राष्ट्रीय पार्टी को अपना प्रत्याशी चुनने में इतनी दिक्कत आ रही है, वो तो अपने आप को बड़े कदावर नेताओं की पार्टी भी कहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी कहते हैं। नाहर सिंह जी के परपोत्र हैं जिनको आज चुना गया है सिरसा से। सिरसा से इंडियन नेशनल लोकदल का, जैसा कि अभय सिंह जी ने एक बयान में कहा था, 22 लोगों ने टिकट मांगा था। आपको बता दिया, आपने कहा कि नए लोगों पे दाव खेला है राजनीति में, नए लोगों को भी मौका देते हैं हर राजनीतिक दल। ये पार्टी हमेशा इस तरह की खोज करके लाती है, आपने देख भी लिया, कुरुक्षेत्र में आधे से ज़्यादा सांसद इसी पार्टी के निशान पर जीते हैं। चुनाव जो जीते कितने टफ कंटेस्ट में, किसान ती थे वहाँ पे सारे वोट देने वाले, तो उसका भी क्या मिल गया? अगर राकेश टिकैत ना आते तो शायद परिणाम बड़े बुरे मेरे हिसाब से अभय सिंह चौटाला के वहाँ पर होने वाले। कि अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा किसी भी सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका समर्थन करूँगा, बेशक वो किसी भी पार्टी का सिंबल ले आए। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। बीजेपी ने अपनी टिकटें घोषित कर दी है, आम आदमी पार्टी के हिस्से जो एक टिकट आई उन्होंने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया। कांग्रेस का बड़ा लंबा इंतज़ार हो रहा है, कांग्रेस अपने उम्मीदवार अभी तक नहीं उतार पाई है और अभी माना भी यही जा रहा है कि इस प्रोसेस में 4 से 5 दिन और लगने वाले हैं। आज जब हम बात करें 21 तारीख को, अब कह रहे हैं कि 28 तारीख के आसपास जो टिकटों की घोषणा है वो होनी है, लेकिन इस बीच में इनेलो ने भी अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। टोटल 6 उम्मीदवार अभी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन 3 उम्मीदवार जो अभी चुनाव मैदान में उतारे गए हैं, जिनके लिए स्टार ही जारी हुई है, तीनों ही नए नाम मुझे जो लगता है। और क्या रणनीति इसके पीछे इनेलो की हो सकती है, मेरे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ प्रेमचंद गंगले जी हैं। गंगले साहब, बहुत स्वागत आपका जी। आज मैं यही जानना चाहता हूँ, इनेलो ने अपने 3 उम्मीदवार और उतार दिए, पहले आज ये जो नए उम्मीदवार हैं इन्हीं को लेकर के बातचीत करेंगे, और इसके साथ साथ जो 3 पहले उम्मीदवार उतारे गए जिसमें अभय सिंह चौटाला है, नैना चौटाला है और अम्बाला से जो है, उनको लेकर के भी बात करें। पहले इन 3 का क्या सोचा होगा पार्टी ने कि इतने नए लोगों को चुनाव मैदान में उतार दिया, जबकि इनेलो अब दावा करती है कि सारे लोग उनकी तरफ आ गए हैं, जेजेपी का सारा उनकी तरफ आ गया, फिर इसके बावजूद भी कैंडिडेट नहीं नए? देखिए शर्मा जी, आपने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी सूची का इंतज़ार एडी उठा करके लोग कर रहे हैं। हर दिन कोई एक नई अफवाह आती है, नए नाम के साथ आती है। जब राष्ट्रीय पार्टी को अपना प्रत्याशी चुनने में इतनी दिक्कत आ रही है, वो तो अपने आप को बड़े कदावर नेताओं की पार्टी भी कहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी कहते हैं और पूरे भारत की पार्टी कहते हैं, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि नए प्रत्याशी उन्होंने उतार दिए, मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा जो मुझे जानकारी मिली है इंडियन नेशनल लोकदल के हेडक्वार्टर से या सूत्रों से, ये सारे के सारे बहुत कद्दावर लोग उन्होंने और उस ढंग से चयनित किए हैं कि उनका अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो फरीदाबाद से अगर आप शुरू करते हैं, फरीदाबाद में सबसे बड़े जो परिवार है, राज परिवार जिसको कह सकते हैं, तवतिया परिवार, और उसमें राजा नाहर सिंह, अगर आपने सुना हो, बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह का महल है, वो राजा थे और जाट समाज के 2 बड़े राजा थे, एक राजा सूरजमल और दूसरे नाहर सिंह जी। नाहर सिंह जी के परपोत्र हैं जिनको आज चुना गया है, जिनका आज नामांक, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, सुनील तेवतिया जी। अच्छा। राजा नाहर सिंह के परपोत्र हैं, ग्रेजुएट हैं और बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं और इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। दूसरे प्रत्याशी की अगर आप बात करते हो, संदीप लोट हैं, वाल्मीकि समाज से हैं और नरवाणा विधानसभा क्षेत्र के बहुत बड़े गाँव कालवण के रहने वाले हैं, सिरसा से इंडियन नेशनल लोकदल का, जैसा कि अभय सिंह जी ने एक बयान में कहा था, 22 लोगों ने टिकट मांगा था। और देखिए, आप कह रहे हो कि पार्टी की तरफ जो दावा अभय सिंह जी का है कि लोग आ रहे हैं, जो आज प्रत्याशी उतारे गए हैं संदीप लोट, उनके पिता रामफल लोट 2009 में नरवाणा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, तो कांग्रेस के में रहते हुए और चुनावी राजनीति करने वाले व्यक्ति को, उस परिवार को, वही अकेले नहीं, उनके दादा 2 बार
विधायक रहे हैं नरवाना से, और आपको मैं तो मेरी जानकारी तो ये है कि बहुत पहले 52 से 57 और फिर 62 से 67 आप सोच के देखें कितना लंबे समय तक वो राजनीति में सक्रिय रहे और 2 बार नरवाना जैसे विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रहे। तो उस परिवार में टिकट देना और जो प्रत्याशी हैं उनके खुद की बैकग्राउंड देखेंगे, वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में SDO के पद पर थे और अब उन्होंने राजनीति में आने की इच्छा जताई। हालांकि उनके पिताजी भी चाहते थे कि राजनीति में, क्योंकि उनका विरासत एक तरह से चली आ रही है 3 जनरेशन की, तो मैंने आपको बता दिया, आपने कहा कि नए लोगों पे दाव खेला राजनीति में, नए लोगों को भी मौका देते हैं हर राजनीतिक दल, बैकग्राउंड अच्छी है। और क्योंकि सरसा जिला चौधरी अभय सिंह का या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या देवीलाल परिवार का हमेशा से गढ़ रहा है, और सिरसा जिला और फतेहाबाद जिले की बात करेंगे उसके बाद नरवाना उसमें आता है। नरवाना से कभी संसदीय चुनाव में किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, नरवाना के व्यक्ति को चुनाव लड़ाना, और फिर आप उन समाज के लोगों को जिनको 2 राष्ट्रीय दलों ने टिकट में कंसिडर ही नहीं किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो एक ही जाति से दोनों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों पर उन्होंने प्रत्याशी या तो उतार दिए या उतारने की कोशिश में है, तो एक ही जाति के। अगर कोई अति दलित की बात करें या जिन उपेक्षित समाज में जिनको कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, इंडियन नेशनल लोकदल में चौधरी देवीलाल के समय से ही कभी किसी सपेरे को टिकट दे दिया, किसी बाजीगर को टिकट दे दिया, वाल्मीकि को टिकट दे दिया, ओड़ को टिकट दे दिया, उन वर्गों को कभी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। और ये पार्टी हमेशा इस तरह की खोज करके लाती है, आपने देख भी लिया। तीसरा, जो अनूप सिंह दहिया जो जिनको सोनीपत से प्रत्याशी बनाया गया है, आपको पता है कि खरखोदा क्षेत्र, गोहाना क्षेत्र, यहाँ दहिया खाप बहुत बड़ी खाप है। इससे पहले भी बहुत सारे दहिया वहाँ रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, बहुत सारे विधायक बने हैं, और एक पुलिस अधिकारी को, रिटायर्ड पुलिस कप्तान को प्रत्याशी बनाया गया है, आप उनको नया नहीं कह सकते, IPS हैं। हाँ, IPS अधिकारी को प्रत्याशी बनाया गया है, कोशिश तो और लोगों ने भी की, बहुत सारे वहाँ, आप जींद में रहते हैं, जींद के रामफल कुंडू जी वहाँ दावेदार थे, सोनीपत ज़िले के बहुत लोग दावेदारी कर रहे थे, परंतु एक ऐसे अधिकारी का जिसका खेल में पुलिस मेडल उन्होंने जीता है और खेलों में बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी रही है, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, आप ऐसी प्रतिभा को और खेलों के प्रति, क्योंकि चौधरी अभय सिंह खुद भी ओलंपिक एसोसिएशन के प्रधान भी रहे और खेलों में उनकी रुचि रही है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम वो हमेशा ही करते रहे हैं। अभी तो आप आने वाले दिनों में देखना, इन प्रत्याशियों के चयन के साथ साथ 3 प्रत्याशी पहले जो घोषित हुए हैं उन तीनों की भी अब देखते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला स्वयं प्रत्याशी है कुरुक्षेत्र से, इंडियन नेशनल लोकदल में सबसे कद्दावर नेता है, एक तरह से सेनापति हैं अपने दल के, और जब सेनापति नहीं जी। वो अपने दल के राजा हैं जी। और राजा बहुत देर बाद चुनाव मैदान में उतरते हैं जब कुछ ना रहे, तो सेनापतियों को उतारना चाहिए था। नहीं, देखिए पार्टी में पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, पाबंदियों के चलते वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उसके बाद अपने कार्यकर्ता को नैतिक बल देने के लिए सेनापति मैदान में है। और फिर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं वो कुरुक्षेत्र से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको पृष्ठभूमि याद हो, इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ जिसे कहते हैं कुरुक्षेत्र गढ़ रहा है, और जितने लोग संसदीय इतिहास में आप झांकेंगे कुरुक्षेत्र में आधे से ज़्यादा सांसद इसी पार्टी के निशान पर जीते हैं। और यस, आप 1977 में कुरुक्षेत्र लोकसभा इंडिपेंडेंट बनी थी, 1977 से लेकर के 1977 में सरदार रघुवीर सिंह, उसके बाद 1980 में मनोहरलाल सैनी जो नारनौल से आकर के कुरुक्षेत्र में सांसद बने, उसके बाद 2 बार कैलाशो सैनी बने, बीच में गुरदयाल सिंह सैनी बने, और लगातार आप 14 तक भी बात करोगे, 2014 तक भी इंडियन नेशनल लोकदल या तो पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर हमेशा आती रही है। 2019 का चुनाव ऐसा है जिसमें हमारा मत प्रतिशत या इंडियन नेशनल लोकदल का मत आप कहेंगे कम हुआ था, बहुत ज़्यादा कम हुआ, क्योंकि उसका कारण बहुत बड़ा कारण था, बहुत सारे लोगों ने
एक साजिश रची और उस साजिश का शिकार बहुत सारे लोग बने भी, खासतौर से कार्यकर्ता इस पार्टी के। आज इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता मन से ये चाहता है कि हम अपना खोई जो ज़मीन थी उसे वापस लेके आए, अपने जो वैभव था पार्टी का पूरे प्रदेश में और चौधरी देवीलाल का नाम और उनकी नीतियाँ। और फिर एक बात अभय सिंह के साथ जुड़ी है कि वो किसान हित में कुछ भी कर सकते हैं। आप देखते हो कि 5,000 से ज़्यादा विधायक इस देश में हैं, सांसद हैं बहुत सारे। आप जब किसानों ने एक कॉल दी थी, आपको याद होगा 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ जब किसान बैठा था, मुझे वो सारा याद है जब इन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा इस्तीफा देकर। पर मिला क्या? चुनाव जो जीते कितने टफ कंटेस्ट में, किसान ती थे वहाँ पे सारे वोट देने वाले, तो उसका भी क्या मिल गया? देखिए क्योंकि आंकड़ों का खेल है, आप बहुत आसानी से आपने कह दिया कि उनका जीत का अंतर घटा। उन्होंने 9,000 वोट ज़्यादा हासिल किए थे, वो किसान के वोट बड़े थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि किसान यूनियन उस वक्त खुल कर के एक धड़ा सामने आया था, दूसरे धड़े ने विरोध भी किया था। और आज हर कोई ये चाहता है, मैं वही कह रहा हूँ, अगर राकेश टिकैत ना आते तो शायद परिणाम बड़े बुरे मेरे हिसाब से अभय सिंह चौटाला के वहाँ पर होने वाले थे। देखिए आम चुनाव में और उपचुनाव में 9,000 वोट ज़्यादा लेना उपचुनाव में, तो वो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता में इजाफा था। बाकी सारे विपक्ष अब हिसार की बात कर लेते हैं, सुनैना को उतारा गया। देखिए आज अगर आप सही आंकलन करते हो तो सुनैना चौटाला हिसार की बेस्ट कैंडिडेट, आप जिसको कह सकते हो बेस्ट कैंडिडेट है वो। आप परिवार के 3 लोग हैं, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में अभी तक इस बात का निर्णय ही नहीं हुआ कि किसको मैदान में उतारा जाए। तो आप समझ सकते हो कि हालात दूसरी जगह कैसे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुत मजबूती से अपने प्रत्याशी उतारे हैं और अभी तो 6 मैदान में आए हैं। एक और घोषणा की हुई है इंडियन नेशनल लोकदल के जो महासचिव हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, कि मैं करनाल में रोड बिरादरी कि अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा किसी भी सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगा, बेशक वो किसी भी पार्टी का सिंबल ले आए। वीरेंद्र मराठा को लेकर के जो आप कह रहे हैं जी, रणनीति क्या है? देखिए रणनीति तो राजनीतिक दल बनाते ही बनाते हैं, और आपने रणनीति का नाम लिया तो रणनीति बहुत अच्छी है। मराठा वीरेंद्र वर्मा जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग को भी आज तक किसी भी पार्टी ने अगर टिकट दिया है लोकसभा का तो इंडियन नेशनल लोकदल है। 2 बार करनाल से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी रोड समाज से रहे हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा रोड समाज से आते हैं। फिर आप पृष्ठभूमि पे चले जाओगे कि पृष्ठभूमि क्या है, वो भी एक अधिकारी रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। 3 बार मेरे ख्याल से वो चुनाव लड़ चुके हैं, 3 चुनाव हार भी चुके हैं। नहीं, चुनाव तो उन्होंने 3 से ज़्यादा लड़ लिया, आपकी जानकारी अधूरी है। 2 तो वो लोकसभा के लड़ चुके हैं, उससे ज़्यादा विधानसभा के भी लड़ चुके हैं। चुनाव लड़ने में तो देखिए उनके पिताजी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जनसंघ जब बना उससे पहले जनता पार्टी के वो विधायक थे, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं शिवराम वर्मा जी। आपको बहुत अच्छे से अगर ध्यान हो, जब जनता पार्टी में विघटन हुआ था और एक बस में दूल्हा दुल्हन के नाम लिख करके जब चले थे, शंकर वर्सेस जो भी था, वो कॉमरेड शंकर लाल और शिवराम वर्मा जी ही थे। तो शिवराम वर्मा जी जो भारतीय जनसंघ के 20 सदस्य थे और फिर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, तो वो उस परिवार से हैं, उनके पिताजी थे। ये जो स्थिति, मैं जो जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पार्टी से टिकट लेके आ जाए मराठा तो भी मैं साथ दूंगा, इसके पीछे मोटिव क्या है, इनेलो चाहती क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मराठा वीरेंद्र वर्मा जी इंडियन नेशनल लोकदल का टिकट चाहते थे, और जब शरद पवार जी 25 सितंबर, मैं जो आपसे जानना था, आप उस पॉइंट को पकड़ो जी, इनेलो चाहती क्या है उस आदमी से? देखिए इनेलो फायदा क्या है, इनेलो को फायदा ये है कि एक तो उस समाज को प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिला, उस समाज को प्रतिनिधित्व इंडियन नेशनल लोकदल देगी, और उस समाज के 1 लाख से ज़्यादा वोट कुरुक्षेत्र में और 1.5 लाख से ज़्यादा करनाल में है, तो दोनों स्थानों पे। देखिए अगर आप सोशल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, वो गणित आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे, तो फिर राजनीति करना भी व्यर्थ है। और उन उपेक्षित समाजों को जिनको कोई टिकट नहीं देता, उनको
टिकट देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल करता है, मैं ये कह रहा हूँ। और आज की सूची पे भी आप नज़र डालें, इससे पहले की सूचियों पे देखिए, परंपरागत रूप से वो पार्टी किसानों की पार्टी है, और चाहे वो रोड है, चाहे जाट है, सैनी है, राजपूत है, गुज्जर है, उनको अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देता है, और अनुसूचित जातियों में भी जिन जातियों को कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता उनको रिप्रेजेंटेशन देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल करता है। इसलिए मराठा वीरेंद्र वर्मा को सपोर्ट करने की बात उन्होंने कही है। अच्छा, उसके भतीजे एक कहते हैं कि इस बार हिसाब किताब हो जाएगा इनका, कि क्या होगा कि इनको इतना वोट परसेंट कम मिलेगा कि शायद इनका चुनाव निशान भी ना बचे, कुछ ऐसा है? देखिए, मैं भतीजों की बात या परिवार पे कोई टिप्पणी करना शोभा नहीं देता हमें, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, और उस परिवार का जैसा आपने देखा कि हिसार में ही तीन कैंडिडेट हैं, परिवार में चौधरी देवीलाल के फ़ोटो लगा के लगाने वाले तो बहुत हैं, उनका नाम प्रयोग करने वाले भी बहुत लोग हैं, उनकी विचारधारा पर चलने वाला कौन है? आप तीन तो चौटाला सरनेम के साथ आगे नहीं, आप सरनेम छोड़ दीजिए, चार सरनेम के साथ है। आपने अगर ध्यान से देखा हो, आजकल चौधरी रणजीत सिंह भी चौटाला भी लगाते हैं, हिसार की बात कर रहा हूँ, सुनैना या नैना जो भी है, सारे के सारे चौधरी देवीलाल का चित्र भी लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है कि आमने सामने लड़े, एक तो सही वारिस कौन है उस विरासत का, जो बड़ी लेगेसी है जो चौधरी देवीलाल ने किसान हितैषी होने का, जो सर्टिफिकेट भी इस बार ही मिल जाएगा कि कौन सच्चा हितैषी है, कौन सा दल इनमें से या कौन सा नेता इनमें से चौधरी देवीलाल का ध्वजवाहक बनेगा और आगे से उस नाम को प्रयोग भी करेगा। मैं तो ये कहता हूँ, खुली चुनौती की तरह कहता हूँ कि ये टेस्ट लोगों को भी देखना है कि कौन सच्चा वारिस है, कौन उनकी नीतियों पर चलता है, कौन कुर्बानी करता है किसानों के लिए या आम आदमी, किसको किसानों ने एक्सेप्ट किया। यही बात मैं कह रहा हूँ कि आते एक ही परिवार से हैं, एक ही विचारधारा की बात करते हैं, परंतु विचारधारा का ध्वजवाहक कौन बनेगा इस बात का निर्णय ये चुनाव जरूर करेगा। बिल्कुल, प्रेमचंद गंगले जी मेरे साथ थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पूर्व अधिकारी हैं और राजनीति का मर्म समझते हैं। आज हमने इनसे जो चर्चा की वो इनेलो की टिकटों को लेकर के चर्चा की कि ये जो टिकट बटी हैं इनका क्या महत्व है। खैर, जो इनकी जानकारियाँ हैं उसके अनुसार इनेलो ने कुछ सोच साच के ही ये जो टिकटें हैं वितरित की हैं। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं, कुछ भी सोच के इन्होंने वोट दिया, टिकट दिया, पर वोट कितना ले पाएंगे ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे से अरविंद के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य सटीक बेबाक।